हेलो एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं पापड़ की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। पापड़ तो आपने बहुत बार बनाए और खाए होंगे। एक बार इस तरीके से कच्चे चावल के पापड़ बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही हल्के और करारे होते हैं। आवाज़ से पता चल रहा है ना कितने करारे पापड़ बने हैं। इन पापड़ों को आप बना करके 1 साल से 2 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान होता है। आपके घर धूप नहीं आती है तब भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना देखते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 1 गिलास चावल ले लिया है, कच्चा चावल है, इसको भिगाया नहीं है। इस चावल को हमें पहले अच्छे से वॉश करना है क्योंकि चावल में काफ़ी गंदगी। अब इसको धो करके दिखाएंगे, देखिएगा इसका पानी बिल्कुल दुधिया हो जाएगा। तो पहले अच्छे से मलमल के इसको धो लेते हैं। और इन चावलों को हमें 2 से 3 बार धोना है जब तक कि ये दुधिया पानी सफ़ेद ना हो जाए। तो ये देखिए पानी का रंग दुधिया पानी है ना। तो इस चावल को हम 3 से 4 बार धोएंगे ताकि जो पानी हम डाले चावल में तो सफ़ेद आने लगे। चावलों को अच्छे से धोना ज़रूरी है ताकि सारी इसमें की गंदगी निकल जाए। और यहाँ पे लीजिए हमारा चावल धुल गया है। अब मैंने एक कुकर ले लिया है, कुकर में हम इन चावलों को डाल देंगे क्योंकि इसे पहले से भिगाया नहीं था, बिल्कुल कच्चे और खड़े चावल हैं। तो इन्हें हम कुकर में डाल करके पकाएंगे। अब ये वही गिलास है जिससे चावल नापा था, इसी गिलास से हम 5 गिलास पानी ले लेंगे। नॉर्मली हम खाने के लिए जब चावल बनाते हैं तो चावल का 2 गुना पानी डालते हैं, लेकिन यहाँ पापड़ के लिए बना रहे हैं तो चावल का 5 गुना पानी डालेंगे। तो मेजरमेंट के लिए कोई भी कप, कटोरी, गिलास जरूर सेट कर लीजिएगा। जिस बर्तन से आप चावल नापिएगा उसी बर्तन से उसका 5 गुना पानी नाप लीजिएगा, तो आपके पापड़ बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। और यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल दे रहे हैं, नमक थोड़ा सा पापड़ में कम ही डालना चाहिए। अब कुकर की लीड लगा लेते हैं, इसको हमें पहले हाई फ्लेम पे रख देना है पकने के लिए। हाई फ्लेम पे जब इसको पकने के लिए हम रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद इसमें प्रेशर बनने लगेगा। जब इसमें प्रेशर बनने लगेगा तो फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसे 4 से 5 विसल आने तक हमें पकाना है। तो 4 से 5 विसल आने के बाद कुकर खोल के देख लेते हैं। ये देखिए चावल हमारे अच्छे से गल गए हैं, पक गए हैं। अब इनको चेक करके देखते हैं। अभी ये देखिए दाने खड़े खड़े दिख रहे हैं लेकिन ये गले हुए हैं। अब इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे दाल घोटने वाली घोटनी ले ली है, इससे हम चावलों को मिक्स करेंगे ताकि ये जो खड़े खड़े दाने हैं ये आपस में मैश हो जाएं। इन्हें हमें इस मथनी से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से देखिए घोट रहे हैं, जैसे हम मलाई से मक्खन निकालते उस तरह से, और अच्छे से मिक्स करेंगे। लगभग 5 मिनट हो गया है इसको मिक्स करते हुए। और अब ये देखिए थोड़े थोड़े से चंक्स इसमें रह गए हैं, तो 5 मिनट और मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसको जब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बिल्कुल हलवे जैसा हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल हलवे जैसा हो गया है। अब ये देखिए कितना पतला है, इसकी हम लोइयां बनाएंगे तो नहीं बनेगी, लेकिन इसको जब हम ठंडा कर लेंगे उसके बाद इसकी लोई बनाएंगे तो बहुत ही आराम से बनेगी। अब ठंडा करने के लिए किसी दूसरे बर्तन में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो सिर्फ 1 गिलास चावल का देखिए ये है और कितना ज़्यादा सा बना है। 1 गिलास चावल में ही लगभग 100 पापड़ बनके तैयार हो जाते हैं। अब इन्हें हमें ठंडा कर लेना है, तो इसी तरह छोड़ देते हैं। लगभग 10 से 15 मिनट हो गए हैं और अब ये चावल जो है हमारा ठंडा हो गया है, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसकी हमें लोइयाँ बनानी है, तो हथेली में हल्का सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से डो उठा के लोई बनाएंगे। प्लास्टिक शीट ले लेंगे, ये छोटी प्लास्टिक शीट है, इस पर ऑयल लगा लेंगे और जिस पे पापड़ डालना है उस प्लास्टिक शीट पे भी हम ऑयल लगा लेंगे। अगर आप लोई नहीं बनाना चाहते हैं तो 1-1 चम्मच इस तरह से बैटर उठाइए और जहाँ पापड़ बनाना है वहाँ रखिए। इसको थोड़ा सा सेट करेंगे लोई जैसा और छोटा वाला प्लास्टिक शीट रखेंगे। अब कोई भी थाली, प्लेट या फिर पतीली का ढक्कन ले लेंगे और उसे दबा करके हम पापड़ बनाएंगे। तो ये देखिए पापड़ बन गया, अब इसको निकाल लेंगे, बहुत आराम से निकल जाता है। इसी तरीके से बाकी के पापड़ बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी बना लें तो आप ये कर सकते हैं कि 4-5 लोई एक साथ बना लीजिए और इनको प्लास्टिक शीट पे एक साथ रखेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और एक बड़ी सी प्लास्टिक शीट ले लेंगे लंबाई में, और फिर से वही थाली या फिर पतीली का ढक्कन लेंगे और दबा करके हम पापड़ बनाएंगे।
तो इस तरह से देखिए दबाते हुए जल्दी से हम पापड़ बना के तैयार कर लेंगे, एक साथ कई पापड़ बन जाएंगे। अब इनको निकालना भी बहुत आसान है, इस तरह से खींच के हम एक साथ सबको निकाल लेंगे। अगर आपके पास पापड़ मशीन है तो आप इसे पापड़ मशीन से बना लीजिए। तो यहाँ लीजिए सारे पापड़ हमने बना लिए हैं और बिल्कुल भी मसाले नहीं यूज़ किए थे, तो एकदम सफ़ेद सफ़ेद पापड़ बने हैं। जब इनको फ्राई करेंगे तो ये सफ़ेद सफ़ेद बिल्कुल होंगे, जो बहुत अच्छे लगेंगे। इन पापड़ों को हम पंखे की हवा में सुखा रहे हैं, इन्हें धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर धूप नहीं आती है तब भी आप इस पापड़ को बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रात भर सूखने के बाद पापड़ हमारा सूख गया है। अब आप चाहें तो एक घंटे के लिए इसको धूप दिखा दीजिए, उसके बाद स्टोर करिए, तो आपके पापड़ खराब नहीं होंगे। सारे पापड़ों को हमने देखिए यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है और कितने अच्छे पापड़ बने हैं, अच्छे से ये सूख गए हैं रात भर में ही। पापड़ हमारे देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, ट्रांसपेरेंट बने हैं, हल्के बने हैं, हल्के पापड़ फूलते बहुत अच्छे हैं। अब आप चाहें तो इन पापड़ों को एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए और सालों साल के लिए स्टोर कर लीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। पापड़ों पे देखिए कहीं भी क्रैक नहीं है, कहीं से भी ना टूटे हैं ना फटे हैं, कितने अच्छे पापड़ हमारे बने हैं। इन पापड़ों को हमने खड़े चावल से बनाया है, कच्चे चावल से, कोई देख के कह नहीं सकता है। इन्हें बिल्कुल भी हमने पीसा नहीं था और देखिए कितने अच्छे पापड़ बने हैं, इतने हल्के पापड़ बने हैं, इतने पतले हैं और ट्रांसपेरेंट हैं कि देखिए उंगलियाँ भी नज़र आ रही हैं। चलिए अब इन पापड़ों को फ्राई करके देख लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से हीट करेंगे धुआं निकलने तक, फिर फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो देखिए कैसे पापड़ बड़े हो जा रहे हैं। आप इसी तरीके से मसाला पापड़ भी बना के तैयार कर सकते हैं। सिर्फ आप इसमें जब इसको ठंडा करने के लिए रखें उससे पहले इसमें मसाले मिला दीजिए, जैसे कि जीरा, अजवाइन, कलौजी। पापड़ों को फ्राई करते जाएंगे और एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकालते जाएंगे। तो देखिए जैसे ही ऑयल में हम पापड़ डाल रहे हैं इनकी साइज छोटी है, लेकिन ऑयल में पड़ते ही देखिए साइज कितनी बड़ी हो जा रही है, कितने अच्छे से फूल रहे हैं। इतने अच्छे से तो मार्केट वाले पापड़ भी नहीं फूलते हैं, और पास से देख लीजिए इसमें जालियां पड़ी हैं, इसे ये बहुत ही कुरकुरी और सॉफ्ट बनती हैं। देखिए इनकी साइज कैसे बड़ी हो जा रही है, डबल से ट्रिपल बड़ी हो जा रही है। तो लीजिए पापड़ों को हमने फ्राई कर लिया है, कितने अच्छे पापड़ लग रहे हैं देखिए, बिल्कुल सफेद सफेद। अब आप चाहे तो इन पापड़ों को ऐसे ही खाइए या ऊपर से कुछ मसाले छिड़क दीजिए, जैसे मैगी मसाला या चाट मसाला, तो ये पापड़ और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। पापड़ों की साइज देख लीजिए फ्राई करने से पहले और फ्राई करने के बाद की कंडीशन में, देखिए कितना फर्क है, डबल से ट्रिपल बड़े हो गए हैं ये पापड़ और बहुत अच्छे से फूलते हैं और टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा क्रंची भी होते हैं। इनकी क्रंचनेस देखिए। तो आवाज़ से पता चल रहा है ना कितने क्रंची पापड़ बने हैं। आप भी बहुत ही आसानी से इस तरीके से कच्चे चावल से पापड़ बना करके स्टोर कर लीजिए और सालों साल एंजॉय करिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। बस बारिश बीतने के बाद इसको एक दो बार धूप जरूर दिखा दीजिएगा, जिससे आपके पापड़ एक साल तो क्या दो साल तक भी नहीं ख़राब होंगे। अगर आप भी पापड़ बनाने की सोच रहे हैं तो एक बार इस तरीके से पापड़ बना करके देखिए, बिना धूप के पापड़ बनेंगे, ना टूटेंगे ना फटेंगे और बहुत अच्छे पापड़ लगेंगे, आप सबको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।